हेलो गाइस, मेरा नाम शिव कुमार, स्वागत है आपको मेरे चैनल एस के ब्लॉक्स 29 में। हाजिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे टॉप 10 स्कूटर्स के बारे में जो कि इंडिया में अवेलेबल हैं। इनके प्राइस, माइलेज और परफॉर्मेंस के आधार पर आप इनको इनमें से कौन सा लेना चाहिए। 10 के 10 स्कूटर आपके लिए बेस्ट हैं, तो आप इनमें से कोई सा भी लेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैंने अपनी ओकिनावा प्रेस प्रो कितना चला दिया है। तो जैसे मैं इग्निशन ऑन करता हूँ, आप देख सकते हैं 5811 किलोमीटर ये चल चुकी है, और इसलिए मुझे 1.5 साल लगभग होने को कंप्लीट हो गया। बात की जाए टॉप 10 स्कूटर्स ऑफ इंडिया, प्राइस, माइलेज और परफॉर्मेंस के आधार पर ये जो हैं बेस्ट स्कूटर्स निकल के आते हैं। सबसे पहला स्कूटर है होंडा एक्टिवा 6G। इसके जो फीचर्स हैं वो मैंने अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जो वीडियो दे रखे हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में इसके जो है वो फ़ीचर्स नहीं बताऊँगा, शॉर्ट में इसके फीचर्स बताऊँगा। जैसे इसमें 109 cc का इंजन मिलता है, 18 लीटर का बोर्ड स्पेस मिलता है, मेटल बॉडी मिलती है और 45 km/h का माइलेज मिलता है, और इसकी प्राइस जो है वो 75,000 एक्स शोरूम से स्टार्ट हो जाती है। दूसरे नंबर पे जो स्कूटर आता है वो है TVS जुपिटर, जो कि एक TVS कंपनी की तरफ से बहुत ही बेहतरीन स्कूटर है। 125 cc का इंजन आता है इसमें, LED हेडलाइट आती है, 55 km/h का माइलेज आपको इसमें कंपनी द्वारा क्लेम किया जाता है, और 83,000 एक्स शोरूम इसकी प्राइस कंपनी द्वारा बताई गई है। सुजुकी एक्सेस तीसरे नंबर पे आता है, इसमें इसके अंदर 125 cc का इंजन लगा हुआ है, LED हेडलैम्प मिलता है आपको, और इसमें माइलेज जो है वो 55 km/h तक का माइलेज आपको कंपनी द्वारा क्लेम किया जाता है। 1 push सेंटर लॉकिंग इसमें आपको मिलती है, और इसकी प्राइस जो है वो 81,000 से एक्स शोरूम से स्टार्ट हो जाती है। चौथे नंबर पे जो स्कूटर आता है वो होंडा की तरफ से एक और पेशकश है, वो होंडा डियो। 110 cc का आपको इंजन मिलता है, इसमें एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग कैप मिलता है आपको, डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है, और 45 km/h का आपको माइलेज देखने को मिलता है। होंडा के जो इंजन है वो बहुत ही रिलायबल माने जाते हैं, और इनमें साइलेंट स्टार्ट का फीचर माना आता है, और बहुत ही रिफाइंड इंजन जो है होंडा की तरफ से पेश किए जाते हैं स्कूटर्स के अंदर। प्राइस जो है वो इसकी 70,000 से स्टार्ट हो जाती है एक शोरूम प्राइस। नंबर 5 पे जो है TVS का एक बहुत ही बेहतरीन स्कूटर जो यूथ को टारगेट करके बनाया गया है, जो फीचर से भरपूर स्कूटर है, और TVS की तरफ से हाईएस्ट सेलिंग स्कूटर है TVS एंटॉर्क। यूथ के अंदर काफ़ी पॉपुलर स्कूटर है ये, 125 cc में आप इसको किंग कह सकते हैं, अपने सेगमेंट का किंग है ये, सेगमेंट लीडर। 125 cc का इंजन मिलता है आपको इसमें, सबसे ज़्यादा पावर जो है वो आपको इसमें दिया जाता है, 9.5 PS का पावर और 10.5 Nm का टॉर्क किसी भी स्कूटर में आपको देखने को नहीं मिलता ये पावर। उसमें सबसे ज़्यादा फ्यूल जो है वो टैंक दिया गया है, और काफ़ी अच्छी रेंज आपको इसके अंदर, सबसे ज़्यादा रेंज आपको देखने को मिलती है। माइलेज जो है वो इसका थोड़ा और स्कूटर्स के मुकाबले कम है, क्योंकि एक स्पोर्टी स्कूटर है जो परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। माइलेज जो है इसमें आपको 35 km/h तक का देखने को मिलता है, और 88,000 इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। छठे नंबर पे जो है हीरो प्लेजर प्लस, 110 cc का इंजन आता है, 45 km/h का माइलेज आपको देखने को मिलता है, USB चार्जर देखने को मिलता है, और 68,000 से इसकी प्राइस स्टार्ट हो जाती है। सातवें नंबर पे जो है वो सुजुकी की तरफ से आने वाला सुजुकी एवेन्यूस है, 125 cc का इंजन आपको मिलता है, इसमें बहुत स्पेस आपको देखने को मिलता है सुजुकी के स्कूटर में, आपको बाकी सभी स्कूटर्स के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्पेस देखने को मिलता है। अंडर सीट स्टोरेज देख लीजिए आप, या हैंडल के नीचे ऐसे जो कंपार्टमेंट हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से इस सुजुकी के स्कूटर बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। 50 km/h तक आप माइलेज देखने को मिलता है, और 94,000 इसकी प्राइस दी गई है। नंबर 8 पे जो है वो सुजुकी बर्गमैन 125 है, जो कि एक मैक्सी स्टाइल स्कूटर है, इसमें आपको बहुत ही अच्छा स्पेस देखने को मिलता है, 22 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज, और आपको जो है ऐसे कभी होल हैंडल के पास देखने को मिल जाते हैं, और आपको जो है वो फुट स्ट्रेच करने के लिए हैंडल के पास ही जगह मिल जाती है। 125 cc का इंजन आता है इसमें, 45 km/h का आपको माइलेज देखने को मिलता है, और 94,000 इसकी एक्सम प्राइस है। नौवे नंबर पर जो है यामा RZR आता है, 125 cc का इंजन आपको दिया हुआ है इसमें, आइडल स्टार्ट स्टॉप का सिस्टम आता है, जो कि बेवजह फ्यूल को
ख़त्म होने से बचाता है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती है इसके अंदर, यानी आपका इंजन जो है वो आइडल कंडीशन में, यदि स्कूटर खड़ा हुआ है और आपका इंजन जो है वो चालू है, तो आप ऑटोमेटिक इसको ये बंद कर देगा, जिससे फ्यूल की बचत होती है। 55 के एमपीएल का आपको माइलेज देखने को मिलता है और 85,000 इसकी प्राइस दी हुई है। 10वें नंबर पे जो स्कूटर आता है वो टीवीएस की तरफ से आने वाला टीवीएस स्कूटी पेप प्लस है। इसमें 90cc का इंजन दिया हुआ है और ये सबसे लाइट वेट स्कूटर है। 93 kg आपको इसके का वेट देखने को मिलता है। 50 kmpl का आपको माइलेज देखने को मिलता है और इसकी प्राइस जो है वो 65,000 से स्टार्ट हो जाती है। तो ये ऐसे कुछ स्कूटर्स, 10 स्कूटर हैं जो इंडिया में बहुत ही अच्छे रिलायबल माने जाते हैं, चाहे आप प्राइस के हिसाब से देख ले या माइलेज के हिसाब से देख ले या परफॉर्मेंस के हिसाब से इनको देखें, तो आप अपने अकॉर्डिंग इनमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।